नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। आईपीएल का एक अभी तक का एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कोई नहीं तोड़ पाया है। ये रिकॉर्ड क्रिस गेल ने बनाया था और ये रिकॉर्ड आज से लगभग 7 साल पहले बना था। 2013 में ये बड़ा रिकॉर्ड बना था जो अभी तक नहीं टूट पाया है और लग भी नहीं रहा है कि कोई बल्लेबाज इसके आसपास भी पहुंच सकता है। ये रिकॉर्ड था क्रिस गेल का, 30 गेंदों में बनाया गया सैकड़े का। जी हां, 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ क्रिस गेल ने 30 गेंदों पर शतक जड़ दिया था और उस पूरी इनिंग में उन्होंने 175 रन बनाए थे। यह भी आईपीएल में सबसे बड़ा इंडिविजुअल बैट्समैन का स्कोर है, यह भी एक रिकॉर्ड है। सिर्फ 66 गेंदों में 175 रनों की ताबड़तोड़ पारी उन्होंने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ खेली थी। इस रिकॉर्ड को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। इस रिकॉर्ड के आप कह सकते हैं आसपास भी कोई नहीं है। जो सेकंड हाईएस्ट है वो है 37 बॉल। कहां क्रिस गेल की 30 बॉल और कहां 37 बॉल। 37 बॉल पर यूसुफ पठान ने और लगभग 4 साल पहले यानी 2010 में सैकड़ा जड़ा था और उसके बाद डेविड मिलर ने हालांकि कोशिश जरूर की थी लेकिन वो भी बहुत पास नहीं पहुंच पाए थे। डेविड मिलर ने 38 गेंदों पर सैकड़ा जड़ा था। तो ये क्रिस गेल का अभी तक का रिकॉर्ड है जो ऐसा लग रहा है कि आने वाले सीजन में खुद क्रिस गेल ही हैं जो तोड़ सकते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जो ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। ऐसे में अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो आप कमेंट करके मुझे नीचे बताइए कि आपके मुताबिक 30 गेंदों पर शतक बनाने का ये रिकॉर्ड कौन सा बल्लेबाज तोड़ सकता है। जो जो बल्लेबाज आपके जहन में आ रहे हैं तुरंत उनका नाम लिख डालिए। मेरे मुताबिक सबसे प्रबल दावेदार इस रिकॉर्ड को तोड़ने के हैं खुद क्रिस गेल नंबर एक पर। नंबर दो पर हैं केकेआर के आंद्रे रसेल। उन्होंने कई ऐसी पारियां खेली हैं, हालांकि छोटी पारियां खेली हैं, जैसे 25 गेंदों पर कुछ 60 रन हो गए या फिर 33 गेंदों पर 73 रन हो गए, इस तरीके की इनिंग्स खेली हैं। सैकड़ा जड़ने के लिए उन्हें उतनी ज्यादा बॉलें भी चाहिए होंगी। 29 बॉलों पर उनको ये करना पड़ेगा तभी वो रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। उसके बाद आते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनके अंदर भी वो मादा है कि ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। आपके मुताबिक क्या है वो मुझे जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आईपीएल के बारे में मैं आपके लिए लाता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।